चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैगी मंचूरियन, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और आपको एक ही रेसिपी में दो चीजों का स्वाद मिलेगा, मैगी का भी और मंचूरियन का भी। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। एक छोटा पैकेट मैगी का लिया है, एक छोटी सी प्याज है जिसे हमने काट लिया है, कुछ हमारे पास सब्जियां हैं, गाजर है जरा सी सी, थोड़ी सी आप देख सकते हैं शिमला मिर्च है जरा सी सी, बंद गोभी है, ये हमने डाइस कर ली हैं इस तरीके से, एक प्याज के और ये शिमला मिर्च के, ये सोया सॉस है 1 चम्मच, मैगी का मसाला है 2 चम्मच, हमने लिया है कॉर्न फ्लोर, 1 चम्मच हमने सेसवान सॉस ली है, 1 चम्मच हमारे पास विनेगर है और 1 चम्मच ही सॉस है टमाटो सॉस। दोस्तों जो ये मैगी का मसाला है ये उतना ही है जो हमने ये छोटा पैकेट मैगी का लिया है, इसमें जो मसाला निकलता है ये उतना ही मसाला है मैगी का। अब हम मैगी बनाने के लिए चल रहे हैं। देखिए हम इसमें 3-4 चम्मच अपना रिफाइंड डाल देते हैं, आप देख रहे हैं, और इसमें हम डाल देंगे प्याज, इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा हमको नहीं भूनना है लेकिन फिर भी जिससे इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए प्याज का, तो हम इसे भून लेंगे। हम इसमें अपनी सब्जियां भी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा इसे ही भून लेते हैं साथ साथ, और हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, तो कुछ गल जाए सब्जी हमारी। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं मैगी, और डाल देंगे हम 1.5 कप पानी, हमने नाप के रख रखा है 1.5 कप पानी। जैसे एक मैगी का पैकेट आप लेते हैं तो उसमें आप 1.5 कप पानी डाल दें, और हम साथ में डाल देंगे मैगी का मसाला, ये देखिए, और इसे ढक के रख देंगे जब तक कि हमारी मैगी 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, बस उसके बाद इसे हटा लें। इसे आप इस तरीके से थोड़ा सा अलग कर दीजिए जिससे कि प्रॉपर गल जाएगी एकदम और पानी में डूब जाए, देखिए इस तरीके से, और अब हम इसे ढक दे रहे हैं इसी पर। देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है और हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मिला रहे हैं कॉर्नफ्लोर, आप देखिए ऐसे, और इसको मिला के हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके हम बॉल बनाएंगे इस तरीके से, और अब इसे छोड़ दे रहे हैं हम। देखिए हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और ये हमने खूब बढ़िया से इसे मिला दिया है, अभी क्योंकि ये गर्म है तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसके बॉल बनाएंगे। देखिए एक और छोटा मैगी का पैकेट है हमारे पास, इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए एकदम इस तरीके से, अलग अलग कर दीजिए, आप देख सकते हैं हमने इसको तोड़ दिया एकदम, ऐसे तोड़ दें सब। देखिए हमने बिल्कुल तोड़ दी है मैगी, और अब जो ये हमने तैयार की थी मैगी, इसको हम छोटे छोटे से इसके बना लेंगे गोले, आप देखें इस तरीके से, ऐसे आप गोले बना लीजिए, ये देखिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला था तो बिल्कुल सेट हो गई है ये अच्छे से, और इसमें सब्जियां भी सब अंदर हैं इसके, और अब हम क्या करेंगे ये आप देखिए इस तरीके से इसको चिपका देंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से चिपका के इसको फिर फ्राई करेंगे, तो इसको अच्छे से आप चिपका दीजिए बिल्कुल, जिससे कि जब हम तलें इसको तो ये गिरे नहीं और खूब क्रंची हो जाएंगे ये सीखने के बाद, ये देख कितने बढ़िया हो गए, और इन्हें रख देंगे ऐसे ही हम सब बनाएंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए जिससे कि चिपक जाए इस तरीके से कीजिए, ये देखें खूब बढ़िया से चिपक गए हैं, और अब हमने इनके गोले बना लिए, ये देखें चिपक गए बहुत बढ़िया से, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लड्डू बनाते हैं इसको इसी तरीके से बनाएं, और इसमें फ्लेवर जो आएगा वो मैगी का आएगा, क्योंकि ये मैगी है ही है, और जब हम ऊपर से इसको
अभी इसका बनाएंगे सॉस, तो आपको मंचूरियन का टेस्ट देगी वो। ये देखिए बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको प्रेस करते हुए ये देखें, ये चिपक जाएगा सब। और फिर इसके गोला बना लें। ये देखिए बन गया। देखिए ये बन चुके हैं हमारे बॉल, और अब हम इन्हें तलने के लिए जा रहे हैं। देखिए हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है और ये बिल्कुल फुल फ्लेम पे है इस टाइम, एकदम तेज आंच है इसकी। और अब हम इसे डाल दे रहे हैं, और अब हम इनको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा देर इसको सेट होने देंगे इसी में, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमने डाल के छोड़ दिया इनको, अभी थोड़ी सी देर बाद इसको पलटेंगे। देखिए आंच हमारी तेज थी तो ये बन के तैयार हो गया एक तरफ से, और अब हम इसको इस तरीके से पलट रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। इसी तरीके से आप भी बनाएं, बहुत ही सुंदर कलर आया है। ये जितना कलर इसका सुंदर है, उतना ही खाने में भी टेस्टी है। ये देखें, ये देखें, ये तैयार हो गए हैं एकदम बॉल हमारे, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम करारे। देखिए एकदम से ये तैयार हो चुके हैं, चारों तरफ से सिक गए, आप देख सकते हैं इनको, इस सब तरफ से सिक चुके हैं। और अब इन्हें झटपट निकाल लेते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा सिक जाएंगे। हम इसमें एक दो चम्मच फिर से रिफाइंड डाल रहे हैं अपने पैन में, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और इसमें हम प्याज डाल देते हैं, ये थोड़ा सा भुन जाए, यानी जो ये कुछ कच्ची ना रहे, थोड़ा मिठास रहेगी इसमें, बहुत भुनेंगे नहीं। इसी के साथ डाल रहे हैं शिमला मिर्च, एक दो सेकंड के लिए बस इसको भूनेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे सारी सॉसेज इसमें। और इसमें हम कॉर्नफ्लोर नहीं मिलाएंगे, ये बहुत टेस्टी एकदम से लगती हैं मैगी मंचूरियन बॉल। आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर बदल चुका है, और अब हम डाल देते हैं अपनी सॉसेज सारी इसमें। ये देखिए अब हम डाल रहे हैं सोया सॉस, टमाटो सॉस डाल चुके हैं, डाल रहे हैं इसमें हम शेजवान सॉस, और हम डाल देते हैं अपना विनेगर, ये देखिए। और अब हम बहुत ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसे पकाने की वजह से पानी भी ऐड कर देते हैं, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे पानी, जिससे कि इसमें जो प्याज है और इसमें खूब अच्छे से फ्लेवर हमारा आ जाए। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप देखिए हमारी सॉसेज बढ़िया से मिल गई हैं और गाढ़ी हो गई हैं। अब जो हमने बॉल बनाए थे वो इसमें हम डाल दे रहे हैं, ये देखिए। और इनको अच्छे से चला के बिल्कुल सॉस में लपेट देते हैं, लिपट जाने चाहिए बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये खाने में भी अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम, और सॉस इसमें लिपट जा रही है, आप देख रहे हैं बढ़िया से। ये देखिए चारों तरफ से ऐसे करके आप लपेट दीजिए, और अब हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए मैगी मंचूरियन बॉल कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं, और खाने के लिए एकदम तैयार हैं ये, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें मैगी का फ्लेवर भी मिलेगा आपको, और आपको मंचूरियन का भी मिलेगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में है, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।